आ गया अपना भाई, ये हथियार है हमारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो तो बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि अभी अभी मैं दुकान में ही बैठा था तो मेरे को मेरे भाई का फोन आया, अजू भाई का, कि हम जंगल चलेंगे और जंगल में तड़ियां लेके आएंगे, हैं अजू भाई। और जंगल में हम पहुंच चुके हैं और अजू भाई भी मेरे साथ हैं, और मेरे साथ आज अजू भाई हैं और एक भाई और है, और हम तीनों आए हैं यहाँ पे जंगल में। क्या करना है जंगल? तड़ियां पुटना है भाई। हाँ, और भाई थोड़ी आई है, पूरी वीडियो दसनी की तड़ियां तोपदे हां, बेल कियां तड़ियां बेल तोपी जांदी, कियां तड़ियां पुटियां जांदियां, कियां तड़ियां मिलदियां। तां मैं भी मतलब बोली सकदे कि फर्स्ट टाइम आया सभी इन्हें कह भी तड़ियां पुटना जाना। मैं बोले जरूर, मैं भी तुम सौगी जाना चाहता, पसंद करता मैं भी। और हूँ हम पुजी अपने ठंडोली दे एक बड़े प्यारे मंदिर, नागा बाबा दे मंदिर च। नागा बाबा जी सब पर मेहर रखन मंदिर ते अखे बखे मंदिर बिल्कुल पहाड़ी है पर जाई नहीं, बिल्कुल बनी गई चोटी है पर है। हूँ हम इस मंदिर च पुजी हो, ये देखी सकते तुम मंदिर, जय नागा बाबा जी। और इस मंदिर च हूँ दिखाया अखे पखे सारा बाणी है, वो तो हलो ही है भाई। मैं जाना पहले मत्था टेकना बाबा जी के दरबार च, उसके बाद हाँ अगली कार्रवाई शुरू करनी। जय हनुमान जी, जय नागा। ये नागा बाबा जी का मंदिर है, बड़ा प्यारा मंदिर है, बाबा जी सबने उपर मेहर रखन। और ये मंदिर के पारा का नज़ारा दिखा दोस्तों, हूँ हाँ चले तड़ियां पुटना। दोस्तों हूँ जे अस बिल्कुल बने तो बीजो बीच पुजी हो, कहने तड़ियां बेल मिला दी हो कुछ भी नहीं। और आजू भाई तो बुढ़ दो चली जा रहा झूठ अंदर ना, आजू भाई बारा थोड़ा बड़े बच्चे कड़े च पाए कि मेरे बूटा का नाश हो गया। पहले अगले हों तो मैं कपड़े बदली ना आता, मुझे क्या पता बेचने दूर जाना ही है। इतनी तोपा कुछ की बेल है चाच बुरा ले जा दे, क्या लगता भाई मिली होंगे चला था ही मेरे बूटा ही तो नाश हो गया, मेरे को तो नहीं होता। भैया हमें थलू लोना भाई मिली गई, मतलब बन लो ही दिता हाँ सारा ही उपरा दस लग दे भाई बेल देखा भाई कितनी मोटी बेल है। और इन्होंने बेल ढूंढ ली है दोस्तों, ये बेल है। और यहाँ से तरड़ी को खोदा जाएगा, लेकिन सप्पड़ है बड़ी बड़ी रुकनी भाई, सप्पड़ है हाँ कोई चक्कर नहीं, छोटा ही है डूबे निकल जाए नहीं है वो भाई। ये भाई लग पड़ा अपने काम पे, आजू भाई तुम बेल तोपी थी है तोपी थी भाई, तो क्या लगता हूँ इससे निकलेगा माल? हाँ बड़ा माल निकलना भाई इससे, तो नहीं हाँ 5-7 किलो तो माल निकल ही जाना इससे। निकल जाएगा बिल्कुल भाई, अगर निकल गया तो तुम भी खोगा मेला भाई। तुम ना क्या अबू? ये अबू भाई ना बोरा निवासी, दिखा थो कि तरड़ी कड़ी टच टच कर दी। आगे दूसरे भाई शिफ्ट पे,
ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਊ ਤਰੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੋਗਦਰ ਫੇਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਮੋਗਦਰ ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਉੱਪਰ ਲਾ ਸੱਪੜ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਾਉੜ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਖਾਂ दिखाओ भाई इसको जरा हाथ में पकड़, ये भी तलड़ी है नी। हाँ जी बस विक्की भाई पंज मिनट बाद ये तलड़ी भी है, तलड़ी निकलनी शुरू हो चुकी है और आज तो आजू भाई हमें खिलाएंगे तलड़ी भाई। और ये भाई लकड़ चूस खिला रहा हमें जंगल में। एक आप भी खाओ ना भाई, लो आप नहीं खाओगे आजू भाई? नहीं भाई लकड़ चूस। और ये तरड़ी निकलने वाली है, अब काफी ज्यादा मेहनत होती है, मैंने तो मजाक ही समझा था। ये देखिए दोस्तों निक्की भाई स्टार्ट हो गई तरड़ी, पहली तरड़ी निकलना स्टार्ट हो गया जी भाई। कितनी खुशी हो रही है, मेहनत का फल मिलना शुरू हो रहा है। खुशी तो बड़ी होती भाई। हैवी रंग गई हो क्या? सड़ी है ना थोड़ी सी, पुरानी है ये, पुरानी है बिल्कुल ना, सड़ी हुई तो है तो बेकार है। नहीं निकलनी है तो थोड़ी घट सड़ी करो दोस्तों। इन लगता खरा कि भाई तरड़ी खानी, तरड़ी खानी पर तरड़ी पुटने मेहनत बड़ी बार लगती। दिखा बेचारे दो भाई लगे बड़ी मेहनत ने करा दे काम अपना। ये आंदा झोला तरड़ियाँ पानी भरी लेना अज, ठीक है बाबू अबू भाई भरने ले जाना अच्छा। क्यों आजू भाई भरो जाऊंगा? बिल्कुल तरड़ियाँ नहीं भरूंगा तो पत्थर ले जाने भरी ने भाई ऊपर बैठ ही जाए ओले फोड़ा टूटी गया राजू भाई उसे पकड़ा उसे दुबे दुई दुई पकड़ा दुई ओले फोड़ा तोड़ी थी ना मुंडिया तड़ियां पुट दे पुट दे। ये महानुभाव इन्होंने फोड़ा तोड़ दिया। अबू एक भाई वो घुस गया, दूसरा भाई वहां चला गया बेल ढूंढने के लिए। अब दोस्तों हम जंगल के बीचों बीच में पहुंचे हुए हैं और ये दोनों भाई, एक भाई उस साइड चला गया, एक भाई दूसरी साइड चला गया। अब देखते हैं कि एक और तरड़ी की कोई बेल मिलती है कि नहीं मिलती है। जैसे ही मिलेगी अब हम उससे निकालेंगे, थोड़ी सी कंदमूल भी बोला जाता है इनको। और भाई गोड से बड़ी बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे हम तो बोल देते हैं कि दुकान वालों को कि आपने बहुत महंगी लगाई हुई है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। इतने घने जंगल में कैसे इस बेल को ढूंढा जाएगा, फिर उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। मिली भाई कोई पहले भी है मुझे लगा है ना, बड़ी मोटी बेल आजू भाई। ले अबू ये तो बटोया ही है जो भाई, इसका बटा दे। ओहो बटोया रहने दे भाई, बटना भी लगा मैं तो हाँ। दे देता हूं मुझे सर, इसे साइड से सट्टा भाई, इसे बेली बढ़ने ऊपर दे हैं, बढ़ जा बढ़ जा। ये हमारे विक्की भाई जी हैं और ये तरड़ी निकालने आए हैं वन में और खज्जल हो चुके हैं जी। विक्की भाई जी खज्जल तो नहीं हो दे ओ भाई हैं भाई गोड करता ना। अच्छा मुश्किल काम है तरड़ी निकालना। हां है तो बड़ा मुश्किल भाई है? हां जी मैं तो खुद भी बंदे दिखे ने परेशान हो गया कायो बड़ी मेहनत है इससे।
दोस्तों में मिला के बुरदुल राटे ना लगना पौना भाई थक गया मैं यारो नहीं यारो सच्ची नहीं नहीं डाका है ये है ओ कमाने बड्डे मैं दिखे है ना पथरा जंदो इन ऊपर ने पत्थर सपड़ हां दो अंडे ना नीचे तक कर लंदे शायद नंबर लंदे दोस्तों अक्सर कांगड़ी धाम में जो होता है कांगड़ी धाम में के सभी जगह होते हैं पत्तल बनाए जाते हैं पत्तों के पत्ते बनाए जाते हैं वो ये पत्ते हैं ये देखो यहाँ से लेके जाते हैं वो भी इन पत्तों को जोड़ के वो जिसको हम पतलू बोलते हैं वो इन पत्तों को जोड़ से बनाया जोड़ के बनाया जाता है ये देखिए इनकी बड़े ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे इनकी भी बेल वगैरह होती है और इनके पत्तर बनाए जाते हैं ये जो होते हैं पत्तर ये देखिए आप इनके पत्थर होते हैं जिनके ऊपर कांगड़ी धाम को खिलाया जाता है सभी धामों को खिलाया जाता है आजकल तो डिस्पोजल वगैरह चल पड़े लेकिन अभी भी इनका है इनका सिस्टम चला हुआ है इनका रिवाज चलता है अभी भी कई जगह पर इन पत्तों को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग लेकिन पहले जब डिस्पोजल वगैरह नहीं होते थे तो काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता था धाम में मतलब कोई भी धाम होती थी उसमें इनका यूज़ होता था इनको पतलू बोला जाता है इनको क्या लग रहा निकल गई इससे मतलब पता नहीं है मतलब इतने बड़े जूड़े बसूटे जलिंग कंडे शंडे पता नहीं क्या क्या था सारे छेक किया मुझे अज तरड़ी पौंदी बड़ी महंगी भाई हो कहने मैं तो वीडियो बनाने चक्रे चाहिए हा बने तू सही है भाई लब तराट करी थी मेरी बेचारे दिल लगी पे चल मेरा तो ठीक है मैं तो चला था ये मिनी मैं तो काम भी कुछ नहीं करा था मैं फिर भी थक गया था एदो तो गत्ता खोना दे तरड़ियाँ कढ़ा दे बेली तोपा दे बहुत मेहनती बंदे ने मैं ढिला रही है बड़े बारी ये अबू भाई ने चौथी बेल ढूंढी है अब ये बिल्कुल ढलान में है क्योंकि तरड़ी निकालने के भी कई तरीके सीखे आज मैंने कि बिल्कुल ढलान होनी चाहिए वहाँ पे तरड़ी जल्दी निकलती है दोस्तों मैं तो बुरी तरह थकी आ चौथी बेल तोपी है ना भाइया हूँ हच दिखते नहीं हच निकलता कुछ कि नहीं पूरा समान कढ़ना है क्योंकि तीनों इसका बिल्कुल घट निकले 100 ग्राम निकली होगा 100 ग्राम निकले तीन बेली ची हो जाते यह तो कड़ा पहला उम्र एक भाई हो पिछे थे तड़िए बेला तो दो बेली इन्हें बेली ने लगे देखा कितना डूगा गत देना पिया है कम से कम 4 फुट होगा जी भाई ये 4 फुट गत देना पिया भाई ओ देखो भाई ये तरड़ी दिखाओ भाई जरा वाह तरड़ी देखो भाई आप कितनी बड़ी है किलो की होगी जी भाई ये हाँ जी भाई ये देखो दोस्तों ये है तरड़ी कितनी बड़ी निकली अभी अभी और निकलेगी जी भाई इसके नीचे नहीं अभी ये देखो ये अभी टूटी है बीच से अभी और निकलने वाली है नीचे से ये भाई ये तरड़ी इसके लिए हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की मैंने तो क्या मेहनत की मैं तो ऐसे चलते चलते थक गया हूँ अजू भाई क्या रिपोर्ट है रिपोर्ट बड़ी तगड़ी है भाई कड्डा देखो और पीस ले रिपोर्ट दस दे सोए दसा रिपोर्ट दसा भाई ओ माई लॉर्ड एक और पीस निकाल दिया गया है अजू भाई के द्वारा ये देखिए ये है भाई तरड़ी मतलब ये भाई किलो की तो होगी भाई है ना भी हाँ जी भाई 1 किलो का पीस तो होगा भाई ये भी ये देखो ये है तरड़ी आपको पूरी इकट्ठी करके भी बताएंगे हम लोग की कितनी निकलती है ये दिखा दोस्तों एक कड़ी है जी भाई एक और तरड़ी है ये सारी तरड़ी है ओ कड़े पीस हो ये देखो दोस्तों अली तक सिर्फ ये तरड़ी मिली है हूँ अजू भाई क्या रिपोर्ट है रिपोर्ट बड़ी तगड़ी है भाई अच्छा हाँ निकला माल माल चले कंटिन्यू चले माल दूगा मुंडा वो चली गया था दूई बेली लगना दोस्तों अब जो है हम जंगल से बाहर निकल आए हैं मतलब हैं तो जंगल में ही लेकिन अब जो मेन रास्ता है वहाँ पहुँच गए हैं हम लोग राजू भाई हाँ जी भाई कैसा रहा जंगल का टूर आज का भाई बड़ा खतरनाक भाई अबू भाई जी कैसा रहा टूर जंगल का खतरनाक ये क्या पहनूंगा भाई तुम आज दातन
ਦੱਸਲ ਕਿਹਦੀ ਦਾਤਣ ਹੈ? ਖੋੜੇ ਦੀ। ਖੋੜੇ ਦਾਤਣ ਬੋਰੂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਦੋ ਬੋਰੂ ਚਾਹੀਦੀ ਘੁੰਮਣੀ ਪਰੋਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤਲੜੀਆਂ ਪੁੱਟਣਾ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਤਲੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਛੇ ਬੇਲੀ ਤੋੜੀ ਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਲੜੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਰ ਹਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਮੇ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਘਰ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਫਲ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹਮੇ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਪੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਬਤਾਓ ਲੋ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਤਾਓ ਜਰਾ ਖੁਦ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਫਲ ਆ ਐਸੇ ਪਕੜੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਥੀ ਅਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਿਓ ਅਹਾਂ ਕੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਣਿਓ ਤਲੜੀਆਂ ਪੁੱਟਣਾ ਔਰ ਮਿੰਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਾਈਕ ਕਚੋ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੀ ਪਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਦੱਸਣਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਏ।